स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश कुमार एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एसी टर्म्स एंड सर्किट। एसी टर्म्स एंड सर्किट हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि धारा जो होती है दो प्रकार का, एसी और डीसी। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है एसी टर्म्स एंड सर्किट। मतलब इसमें जितने भी पढ़ेंगे हम लोग सभी एसी के बारे में पढ़ेंगे। एसी क्या होता है, एसी के कुछ और छोटे छोटे क्या होते हैं पॉइंट होते हैं, जैसे साइकिल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियडिक, ये सब देखेंगे। उसके बाद आता है सर्किट। कुछ टर्म्स आएंगे डिफिनेशन, उसके बाद कुछ सर्किट आएंगे एसी में कि एसी में क्या होता है। जैसे एसी करंट जो होता है, एसी होता है क्या, एसी को हम लोग पूरा नाम अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हिंदी बोलते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि जैसे एसी का हम लोग वेव फॉर्म अगर दिखाया जाए तो वेव फॉर्म जो होता है इस प्रकार का होता है। इसको बोलते हैं हम लोग साइकिल बोलते हैं, साइकिल चक्र। अब क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट उस करंट को बोलते हैं जिसका मान और दिशा समय के साथ बदले। जैसे देखिए अब ये एसी धारा जो है ये ऊपर, जैसे ऊपर में पॉजिटिव होता है नीचे में नेगेटिव होता है, तो ये धारा जो है अभी ऊपर की ओर गया है लेकिन कुछ ही देर के बाद वो क्या हो गया, नीचे की ओर आ गया और इधर प्लस है और इधर माइनस की ओर चला गया, फिर क्या हो रहा, फिर ऊपर की ओर जा रहा। तो मतलब क्या होता है कि समय के साथ साथ ये क्या करता है, अपने मान और दिशा दोनों को क्या करता है, बदलता है। तो ऐसी धारा जो एक निश्चित मतलब निश्चित समय में अब मान और दिशा दोनों को बदलता हो उसे हम लोग बोलते हैं एसी धारा। और डीसी धारा में वो होता है जिसका मान और दिशा समय के साथ ना बदले, उसको हम लोग डीसी बोलते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ना है एसी, तो एसी में क्या होता है कि इस प्रकार का इस ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं साइन वेव फॉर्म। तो ये जो साइन वेव फॉर्म जो है ये एक साइकिल में क्या होता है कि इसमें कुछ डिग्री कोण बनता है। अब कोण कितने डिग्री का बनता है वो भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे ये साइकिल जो हो गया इसको बोलते हैं एक साइकिल। अगला डिफिनेशन भी हम लोग देखते हैं, एसी का डिफिनेशन हो गया। अगला जो डिफिनेशन आता है उसको भी हम लोग देखते हैं, उसके बाद ही हम इसको कोण के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो डिफिनेशन आता है उसको बोलते हैं साइकिल। साइकिल किसको बोलते हैं, साइकिल हिंदी में होता है चक्र। ये जो एसी धारा जो होता है इसका संपूर्ण ये जो एक चक्र हुआ, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, ये जो दोनों हाफ साइकिल मिलके जो होता है उसको बोलते हैं एक साइकिल। तो अगर साइकिल का अगर डिफिनेशन देना रहे तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग मात्रा का संपूर्ण एक संपूर्ण परिवर्तन, एक अल्टरनेटिंग मात्रा का एक संपूर्ण परिवर्तन पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब मान और दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं एक साइकिल। अब एक साइकिल में क्या होता है कि अगर कभी पूछ दिया जाए कि एक साइकिल में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो अभी देखेंगे कि एक साइकिल में क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो हुआ हाफ साइकिल और यहाँ से बना ये हाफ साइकिल, तो ये जो साइकिल जो बन रहा है एक हाफ साइकिल में कितने, ये जैसे हम लोग अभी यहाँ तक देखते हैं पहले, तो ये जो बना ये बनता है मेरा 90 डिग्री। अब यहाँ तक जब पहुँच गया तो ये हो गया मेरा 180 डिग्री। अब इसके आगे में जब जाएगा तो ये बन जाता है मेरा 270 डिग्री, और फिर जब आगे यहाँ तक आ जाता है तो 360 डिग्री। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि एक साइकिल में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो एक साइकिल में 360 डिग्री का कोण बनता है। और हाफ साइकिल में अगर पूछा जाए कि हाफ साइकिल में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो हाफ साइकिल में जस्ट आधा, मतलब 360 का आधा, मतलब 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये है मेरा साइकिल। अगला जो डिफिनेशन जो आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टाइम, आवर्तकाल, हिंदी में बोलते हैं उसको आवर्तकाल।
तो पीरियोडिक टाइम जो होता है वो क्या होता है? पीरियोडिक टाइम जो होता है, इसको हम लोग अगर टाइम को अगर टी से डिनोट किए तो ये जो होता है ये एक फॉर्मूला बनता है 1/f, मतलब जो f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को, एक से अगर जितना फ्रीक्वेंसी होगा उसको एक से डिवाइड कर देंगे तो वो जितना होगा वो मेरा होगा पीरियोडिक टाइम। मतलब कहने का है कि एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है, जैसे अभी हम बता रहे थे कि ये तो हो गया मेरा एक साइकिल, तो ये साइकिल को, एक साइकिल को बनने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टाइम, मतलब आवर्तकाल। आवर्तकाल, एक साइकिल, ये एक साइकिल हो गया, इस साइकिल को बनने में जो समय लगा उसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आवर्तकाल। तो इसी तरह से ये एक फॉर्मूला भी बन गया आवर्तकाल के लिए, टी इजिकल टू हो गया टाइम और एफ जो है वह है मेरा फ्रीक्वेंसी, एफ जो हो गया वह है मेरा क्या, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा पीरियोडिक टाइम। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे ये तो हम लोग अभी बोले कि टी इजिकल टू 1/f होता है, तो ये एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो अगला जो डिफिनेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, जिसको हम लोग डिनोट किए हुए थे पहले फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का अगर डिफिनेशन देना रहे तो हम लोग डायरेक्ट देंगे कि संपूर्ण साइकिल में, संपूर्ण जो साइकिल है उसको 1 सेकंड में जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। संपूर्ण साइकिल 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी कहलाता है, संपूर्ण साइकिल 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे ये साइकिल जो है इसको बोलते हैं साइकिल, तो एक साइकिल में जितने बनेंगे, मतलब 1 मिनट में जितने साइकिल बनेंगे टोटल साइकिलों की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर डिफिनेशन ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं, 1 सेकंड में जितने साइकिल बना या जितने चक्र बना संपूर्ण चक्रों की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या होता है कि इसको हम लोग डिनोट कर, ये जो है होता है कि एक साइकिल में, मतलब 1 साइकिल में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक हाफ साइकिल, एक पूर्ण संपूर्ण जो चक्र होता है, एक चक्र जो होता है उसमें 2 हाफ साइकिल होता है। तो ये देखो इधर जो गया है वो पॉजिटिव है, इधर जो गया है वो नेगेटिव है। तब ये जो होता है कि ये हाफ साइकिल जो है, ये हाफ साइकिल का और हाफ जो है यहाँ पर ये कितनी डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ये अगर हाफ साइकिल यहाँ पर हुआ तो ये जो डिग्री बनता है 180 डिग्री का, और यहाँ पर जो आया ये बनता है मेरा 270 डिग्री, और यहाँ पर जब कंप्लीट एक साइकिल बन जाता है तब वो होता है 360 डिग्री। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक साइकिल में कितनी डिग्री का कोण होता है, तो एक साइकिल में याद रखना है 360 डिग्री का कोण बनता है, और हाफ साइकिल में 80 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है किसमें, हाफ साइकिल में, और एक संपूर्ण साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल में या एक साइकिल में 360 डिग्री का कोण बनता है। अब जो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है ये डिपेंड करता है क्या, पोल और स्पीड पर। हम पहले भी बता चुके हैं, पहले भी बोलते आ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी वही चीज उसी में होता है जिसमें वोल्टेज उत्पन्न करने की क्षमता हो। तो जिसमें वोल्टेज उत्पन्न करने की, और वो भी कौन सा वोल्टेज, एसी, डीसी में नहीं। डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मान जो होता है 0 होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी का मान होता है। तो एसी जैसे अल्टरनेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है तो उसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर की बात आता है तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी में काम करता है लेकिन वो क्या करता है, वोल्टेज बनाता नहीं है। वो वोल्टेज अगर मिलेगा तो उसको या तो वो बढ़ा के देगा या तो उसको कम करके देगा। तो ये जब अल्टरनेटर में हम लोग देखते हैं, अल्टरनेटर में जिसमें क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न करता है, तो ये जो अल्टरनेटर है अब इसमें क्या होता है, पोल होगा क्योंकि फैराडे के नियम कर रहा था,
तो फैराडे में क्या होता है, क्या बोलते हैं, पोल होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, न कॉइल होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ होगा तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो अल्टरनेटर में क्या होता है, एसी धारा उत्पन्न होता है। तो एसी जब उत्पन्न होगा तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्वेंसी भी होगा। और क्यों, क्योंकि इसमें पोल और स्पीड दोनों हैं। तो अभी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, एफ इजिकल टू पी एन, एक फॉर्मूला आता है पी एन बाय 120। ये फॉर्मूला होता है कि पी एन बाय 120। अब जो है फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करता है वो पोल और स्पीड दोनों पर निर्भर करता है। तो पोल और स्पीड पर निर्भर करता है, मतलब अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ को, मान को अगर कम ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मान में भी क्या होता है, अंतर आ जाता है। तो पोल जो होता है, पोल को आसानी से चेंज करना जो होता है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। लेकिन स्पीड को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी का मान अगर ज़्यादा आ गया, जैसे भारत में हम अभी बोले कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, भारत का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज़ या 50 साइकिल पर सेकेंड होता है। तो ये 50 साइकिल पर सेकेंड होता है, तो इसका मान अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका मान को हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर कम करेंगे तो फिर इसकी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 होता है। तो भारत का फ्रीक्वेंसी हो गया कितना, 50। तो इसको मान को हम लोग कम करने के लिए क्या है, पोल और स्पीड दोनों में से किसी एक मान को अगर कम ज़्यादा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो पी है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी होता है, पी पोल होता है और एन जो है वो मेरा क्या है, स्पीड। तो स्पीड का जो यूनिट होता है वो आरपीएम होता है, ये भी याद रखना। कोई भी चीज़ स्पीड को हमेशा हम लोग मापते हैं, उसको बोलते हैं टैकोमीटर या स्पीडोमीटर। उसी के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग स्पीड को मेजर करते हैं कि वो स्पीड कितना स्पीड से घूम रहा है। अब जैसे अल्टरनेटर के मापेंगे तो अल्टरनेटर का शाफ्ट होगा, वो घूमता हुआ हमको दिखेगा। तो उसके अल्टरनेटर के स्पीड को हम लोग मापने के लिए शाफ्ट पर देखेंगे और उसको देख के इस मीटर के द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, उसकी स्पीड को मेजर कर लेंगे। अब इसी आधार पर हम लोग क्या देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसी आधार पर कैसे बनता है। जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला देखें कि एफ इजिकल टू पी एन बाय 120, उसी आधार पर क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें क्या है, एक अल्टरनेटर का जो स्पीड है वो सिर्फ 20 आरपीएम है। अभी हम बोले कि स्पीड जो होता है वो आरपीएम में होता है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितना ही बार राउंड कर रहा है। उसके उसमें जो है कितने पोल होंगे, स्पीड दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि उस अल्टरनेटर में कितने पोल होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला जो होता है, अभी हम बताएं, एफ इजिकल टू पी एन बाय 120। तो ये जैसे है मेरा, अब इसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये एफ इजिकल टू पी एन बाय 120, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, पोल निकालना है। तो पोल को हम लोग इसे लिख देते हैं, बाहर कर देते हैं, और एफ इंटू 120 बटे एन। अब इसी को लेके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। एफ का मान दिया हुआ कितना, 60। एफ का मान कितना दिया है, 60। तो ये 60 हो गया और ये हो गया मेरा 120, और नीचे में क्या है, स्पीड कितना है मेरा, 120। तो 120 और 120 कट गया, तो टोटल हो गया 60 पोल। अब कोई कहोगे कि ये 60 पोल कैसे हो गया, क्योंकि 60 पोल तो होता नहीं है। हम बोले कि ज़्यादातर जो होता है हम लोग का 2 से 8 पोल होता है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 60 पोल जो हो गया मेरा आंसर। इस प्रकार का अगर कोई भी चीज़, अगर ये तीन में से अगर कोई दो चीज़ रहेगा पता, तो हमको क्या होगा, तीसरा चीज़ निकल जाएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सामने में इनके बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा, ताकि क्या हो, कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे।